Hello dear students, so we were discussing national income. मैं आपके साथ करा रहा था national income, and in national income हमने अभी तक किए थे only one method, that is income method. हमारी nation की income किस तरीके से compute होती है? Well dear students, there are three methods. Number one was income method, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. किसी ने नहीं भी पढ़ रखा तो कोई इशू नहीं है, आप मेरी पुरानी वीडियो पे जाओ, इनकम मेथड को देखो, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा. वेल टुडे विल बी डूइंग एक्सपेंडिचर मेथड. बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है. कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड. एंड थर्ड मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड. So guys, there are three methods: income, expenditure and value added. Kaun kaun se hai? Number one is income, number second is expenditure and number three is value added. To hum abhi start karte hain, that is expenditure method. Mere ko ek baat batao, expenditure kaun kaun karta hai? Tell me the sectors. आप बताओ जल्दी से, आखिरकार एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? मैं बताऊं, सबसे पहले करता है हाउस होल्ड. और हाउस होल्ड किस लिए करता है? कंजम्पशन के लिए. फिर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. फिर कौन करता है? फर्म्स करती हैं. और फिर कौन करता है? फॉरनर्स करते हैं. यानी कि अगर मैं एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करूँ नेशन के, तो नंबर वन क्या बोल लूंगा? हाउसहोल्ड. नंबर टू क्या बोलूँगा? फर्म्स. नंबर थ्री क्या बोलूँगा? गवर्नमेंट. नंबर फोर खर्चा कौन कौन करेगा? फॉरनर्स. भाई फॉरनर्स डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है और फर्म भी खर्चा करती है. फर्म इन्वेस्टमेंट पर खर्चा करती है, हाउसहोल्ड कंजम्पशन पर खर्चा करता है. बट एक्सपेंडिचर तो होता है ना, आप बताओ एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? मैं बताता हूँ, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, फर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, और फॉरनर्स करते हैं, फॉरनर्स करते हैं, फॉरनर्स करते हैं. और फॉरनर्स को कहते हैं बेटा नेट एक्सपोर्ट. क्या कहते हैं मेरे बच्चों? नेट एक्सपोर्ट. तो खर्चा कौन कौन करता है? कंजम्पशन, यानी कि हम करते हैं, फर्म करती है. ये कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड. इन्वेस्टमेंट कौन करती है? फर्म. और गवर्नमेंट करती है. और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स है, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. इज दैट क्लियर टू यू? एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? हम, पीएफसी. नंबर टू जीएफसी. नंबर थ्री बेटा हम क्या करते हैं? कंजम्पशन. प्राइवेट फाइनल, ये हाउस होल्ड करते हैं. ये कौन करता है बेटा जीएफसी? गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. थर्ड कौन करता है? जीडीसीएफ. व्हाट इज जीडीसीएफ? जो फर्म करती है. बेटा दोबारा सुन ले पहले तो, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट, थर्ड क्या बोले बोला? जी डी सी एफ. जानते हो ये जी डी सी एफ कौन करता है? जी डी सी एफ कौन करता है? फर्म्स. कौन करता है बोलो? फर्म्स. एवरीबडी फर्म. वेरी गुड. कौन करता है? फर्म. और फॉरनर क्या करते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट. बेटा आप बताओ खर्चा कौन कौन करता है? हम, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स. और ये जाके आ जाएगा जीडीपी एट एमपी. दोबारा सुनो, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट. बेटा दोबारा सुन लो, ये कौन करता है? हाउस होल्ड. ये कौन करता है? गवर्नमेंट.
ये कौन करता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, कैपिटल को फॉर्म कौन करता है? इसको आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हो। ये करते हैं फर्म, कौन करता है? फर्म। और ये कौन करता है? फॉरनर्स। नहीं आया ना? मेरी बात सुनो, खर्चा कौन कौन करता है बता दो पहले तो। हम, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट। हाउस होल्ड क्या करती है? PFCE। हाउस होल्ड क्या करती है? प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। फर्म क्या करती है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि फर्म करती है इन्वेस्टमेंट। फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। फर्म क्या करती है बेटा? इन्वेस्टमेंट। फर्म क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट। पक्का? अब इन्वेस्टमेंट या तो करेगी फिक्स कैपिटल में, या करेगी स्टॉक्स में, या करेगी फिक्स में, या करेगी स्टॉक में। चलो नहीं आया, छोड़ो भी। आपको ये तो आ गया, PFC, GFC, GDCF, और लास्ट सेक्टर कौन सा बचा? दैट इज फॉरनर्स। फॉरनर्स को कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या कहते हैं बच्चा? नेट एक्सपोर्ट्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, नेट क्यों लगा? फॉरेन डिमांड है, फॉरेन डिमांड है, फॉरेन डिमांड है, यानी कि इसमें आ जाएगा एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। पक्का? क्लियर है? आपको समझ आया खर्चा कौन कौन करता है? बेटा खर्चा कौन कौन करता है, जल्दी बोल। हम, सरकार, और थर्ड कौन करेगा? बोलो बोलो बोलो, फर्म। फर्म किस में करेगी? कैपिटल फॉर्मेशन। फर्म किस में करेगी? ये कौन करेगा? हाउस होल्ड। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? गवर्नमेंट। ये कौन करेगा? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? हाउस होल्ड क्या करता है? कंजम्पशन। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। PFC बेटा, फर्म क्या करती है? फर्म करती है कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फर्म क्या करती है? फर्म करती है कैपिटल, फर्म करती है कैपिटल फॉर्मेशन। और फॉरनर क्या करते हैं? नेट एक्सपोर्ट। बेटा खर्चा क्या होता है? बेटा खर्चा, खर्चा कौन कौन करता है? हाउस होल्ड, वेरी गुड। गवर्नमेंट, वेरी गुड। फिर बोलो तीसरा, आपने क्या बोला? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, थर्ड क्या आपने लाइन बोली? जल्दी बोलो। हम, गवर्नमेंट, थर्ड लाइन बोली आपने GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये कौन करेगा? फर्म। ये कौन करेगा? फर्म। क्या करेगी? GDCF। और फिर कौन करेगा? फॉरनर्स। और फॉरनर्स को आप क्या कहते हो? नेट एक्सपोर्ट्स। दोबारा बोलो बेटा, खर्चा कौन कौन करता है? हाउस होल्ड, फर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? हाउस होल्ड, फर्म, और कौन खर्चा करता है? गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। बेटा बस फॉरनर्स। हाउस होल्ड क्या करेगा? PFCE। गवर्नमेंट क्या करेगा? GFC। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या हो गए? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, ये फॉरेन डिमांड है। और फिर कौन करेगा? फर्म। फर्म क्या करेगी? कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लिखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, लिखो ये कैपिटल फॉर्मेशन, लिखो, बात एक ही है। ग्रॉस डोमेस्टिक लिखो, चाहे GCF लिखो, चाहे कैपिटल फॉर्मेशन लिखो। दोबारा बोल दे बेटा लास्ट टाइम, कौन बेटा? मेरे साथ साथ बोलो एक बारी बेटा, नहीं बोलोगे नहीं याद होगा। आप ऊंची ऊंची बोलो, बोलो हम, बोलो हम, फिर बोलो गवर्नमेंट, फिर बोलो फर्म। फर्म चाहे ये लिख ले, चाहे ये लिख ले, चाहे ये लिख ले, बात एक ही है। फिर बोलो फॉरेनर्स। फॉरेनर्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। फॉरेनर्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। फॉरेनर्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? अच्छा,
पक्का। और आंसर आएगा जीडीपी एट एमपी। क्या आंसर आएगा बेटा? जीडीपी एट एमपी। बेटा ये कुछ नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं जो मैंने आपको उस दिन भी समझाए थे कि हमें किस तरीके से करना होता है। आपको सबको क्लियर थे ना? यस और नो? यस पक्का कि आखिरकार हम क्या कहते हैं इसको? अब इसके अंदर जीडीपी एट एमपी आएगा, जीडीपी एट एमपी, क्योंकि हम इंडिया के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं। पक्का? अच्छा अब मेरी बात इसको सुन लो, ये थर्ड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट को सुन लो। जीडीसीएफ होगा ना, उसमें ना दो कंपोनेंट होंगे, जीडीएफसीएफ और चेंज इन स्टॉक। कोई भी फर्म करती है या तो फिक्स एसेट्स पर या स्टॉक स्टॉक पर, या तो फिक्स एसेट्स पर या स्टॉक स्टॉक पर। तो थर्ड जो कंपोनेंट होगा ना, थर्ड थर्ड यार, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इशू आ सकता है। एक जीडीएफसीएफ और चेंज इन स्टॉक, फिक्स और स्टॉक, फिक्स और स्टॉक। कई बारी ना आपको ना ऐसे दिया होगा, पीएफसी दिया होगा, लिख लोगे जीएफसी। अब इसमें ना थर्ड वर्ड में ना आपको देखना होगा क्या लिखा है। वो ये भी लिख सकते हैं जीडीसीएफ, वो ये भी लिख सकते हैं जीडीएफसीएफ। यानी कि जब फिक्स लिखा हो, फिक्स लिखा हो, फिक्स लिखा हो, इसका मतलब है वो टोटल नहीं है एसेट्स, टोटल नहीं है इन्वेस्टमेंट्स। उसके अंदर स्टॉक को ऐड करना है, स्टॉक को ऐड करना है। जब आपको जीडीसीएफ लिखा हो, इसका मतलब है स्टॉक इसके अंदर है, क्योंकि जीडीसीएफ के अंदर आता है फिक्स भी आता है और स्टॉक भी आता है। बेटा थर्ड कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ ले, थर्ड कंपोनेंट को। कौन से मेरे बच्चे? थर्ड कंपोनेंट। बेटा सिर्फ थर्ड कंपोनेंट को पढ़ो। थर्ड कंपोनेंट को आपने क्या पढ़ना है कि आपको दिया क्या हुआ है, क्या फिक्स वर्ड है कि फिक्स वर्ड नहीं है। दोबारा बोलो, फिक्स वर्ड जब भी होगा स्टॉक को ऐड कर देना, और फिक्स वर्ड जब नहीं होगा आपको बिल्कुल भी स्टॉक को ऐड नहीं करना। बेटा वर्ड क्या गिवन है बता दो? फिक्स। दोबारा बोलो क्या गिवन है? फिक्स। जब भी ये वर्ड देखोगे ऐड चेंज इन स्टॉक, क्योंकि अभी स्टॉक एडेड नहीं है। अगर जी डी सी एफ दिया हो या जी सी एफ दिया हो, इसका मतलब फिक्स तो लिखा नहीं है, तो ये टोटल है। आपको इस वर्ड में देखना है क्या लिखा है, ये लिखा है कि ये लिखा है। जब भी ये तीसरा फिक्स वर्ड आ गया, फिक्स वर्ड आ गया, तो स्टॉक इसका मतलब है ये फिक्स है, इसमें स्टॉक को ऐड करना है। लेकिन जब फिक्स वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये टोटल है। बेटा थर्ड कंपोनेंट, बिवेयर ऑफ थर्ड कंपोनेंट, यही डंग मारेगा। पहला पीएफसी, दूसरा जी कितने सेक्टर, हाउसहोल्ड, फर्म। हाउसहोल्ड क्या करते हैं? PFCE। फर्म क्या करते? अच्छा गवर्नमेंट का इजी है, गवर्नमेंट का क्या है जल्दी बता दो, GFC। अच्छा फॉरनर्स का भी इजी है, नेट एक्सपोर्ट। मुश्किल कौन है? फर्म। मुश्किल कौन है? फर्म। फर्म के अंदर हमेशा आपको क्या बात देखनी है कि मेरे को फिक्स लिखे कि मेरे को फिक्स नहीं लिखे। अगर ये वर्ड गिवन है स्टॉक ऐड नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। लेकिन अगर फिक्स लिखे स्टॉक ऐड करोगे। इसमें स्टॉक को ऐड करना है, इसमें स्टॉक को ऐड नहीं करना है। ये थर्ड कंपोनेंट है बस फर्म का। फर्म का खर्चा कौन कौन करता है? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म, फॉरनर्स। क्लियर आपको? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म, फॉरनर्स। पक्का? चलो समझ आया क्वेश्चन? एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मेरे साथ करो। छोड़ो जीडीपी एंड एमपी निकालना है। क्या निकालना है? जी डी पी। कुछ नहीं लिखा तो एमपी ले लेता हूँ मैं। खर्चा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल घर का आएगा, आएगा। गवर्नमेंट आएगा, आएगा। यार इसमें फिक्स वर्ड लिखे, फिक्स वर्ड लिखे, फिक्स वर्ड लिखे, तो यहाँ पर फर्म का ये खर्चा है।
फर्म का ये खर्चा है, इसमें मैं स्टॉक को ऐड करूंगा, स्टॉक को ऐड करूंगा, स्टॉक को ऐड करूंगा, पीएफसी, जीएफसी, स्टॉक को ऐड करूंगा, स्टॉक को ऐड करूंगा, स्टॉक को ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को फिक्स वर्ड रिटर्न है। पक्का? अच्छा, लिखा थर्ड वर्ड जी डी एफ सी एफ लिख लो। थर्ड वर्ड क्या लिख लो? जी डी एफ सी एफ। बेटा वर्ड क्या था? फिक्स। बच्चे फिक्स था तो स्टॉक को ऐड करोगे, इंक्रीज इन स्टॉक को, इंक्रीज इन स्टॉक को ऐड करना है, इंक्रीज इन स्टॉक को ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरे को फिक्स गिवन है। क्या गिवन है? फिक्स। क्या गिवन है? फिक्स। तो यहाँ पर मैंने फिक्स लिखा, लिखा क्या सर? ये आप लिख लो जी डी एफ सी एफ लिख लो और स्टॉक को ऐड कर दो। बोलो हम हो गया, यस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, यस हो गया। फर्म का कैसे करना है? जी डी सी एफ। फिक्स नहीं था ना तो ऐड कर दिया, फिक्स नहीं था ना, सॉरी फिक्स था कि नहीं था? अगर फिक्स नहीं था तो ऐड नहीं करूँगा, फिक्स होगा, फिक्स है तो आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। देखो क्या फिक्स है? देखो क्या फिक्स है? यस है, फिक्स है, है। फिक्स का मतलब है फिक्स एसेट्स है। और फर्म की इन्वेस्टमेंट किस में होती है? फिक्स में भी, करंट में भी। फर्म की इन्वेस्टमेंट किस में होती है? फिक्स में, स्टॉक में, फिक्स में, स्टॉक में, फिक्स में, स्टॉक में। फिक्स है, ऐड होगा, फिक्स है, ऐड होगा। ऐड कर लिया मैंने 1000। पक्का? क्लियर है? इसको मैंने ऐड कर लिया। फॉरनर्स, फॉरनर्स क्या करते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। यार एक्सपोर्ट कितने थे? 6000। इंपोर्ट्स कितने थे? 7000। इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स कितना आ गया? माइनस 1000। कितना आ गया? माइनस 1000। यानी कि जी डी पी एड एम पी कितना आ गया? 45 + 550, 50 + 555, 55 - 1 + 1 = 55 आ गया। क्लियर है? ये सोल्यूशन हो गया। नेट एक्सपोर्ट कैसे आया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बेटा समझ आया? बहुत सिंपल है बेटा। ये एक बात आया तो न्यूमेरिकल 100% 6 में से 6 मार्कर है, ये न्यूमेरिकल 6 मार्कर है। खर्चा कौन कौन करता है? हम, ये रहा गवर्नमेंट, ये री फर्म। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, तो स्टॉक आएगा, 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 यस। अब और क्या आएगा? पीएफसी, जीएफसी और थर्ड आ जाएगा आपका, दैट इज फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा जी, नेट एक्सपोर्ट्स कितने हो गए? 6000 - 7000 - 1000। बेटा इसको बस करेक्शन कर लेना, ये हमारा ना ये जी डी एफ सी एफ है, जी डी एफ सी एफ। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। पक्का? क्लियर? क्लियर? क्लियर गाइस? नोट कर लो बच्चों, आराम से नोट कर लो इसको फटाफट से। खर्चा कौन कौन करता है? हम और गवर्नमेंट और फर्म और फॉरनर। इसको कहते हैं पीएफसी, इसको कहते हैं जीएफसी, इसको क्या कहते हैं? जीडीसीएफ। इसको क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। पक्का? चलो आओ, अब आप करके दिखाओ। सबसे पहले
खर्चा कौन कौन करता है बता दो, हम ये रहे 260 लिख दो। फिर कौन करता है, गवर्नमेंट, कहाँ है ये रहा, 47 लिख दो। खाली प्रॉब्लमेटिक इशू है थर्ड, कौन है, थर्ड कंपोनेंट फर्म का। फर्म के अंदर आपको क्या देखना है, फिक्स है कि टोटल है। फिक्स हो तो स्टॉक को ऐड करूंगा, टोटल हो तो स्टॉक को ऐड नहीं करूंगा। यहां देखना है ये रहा, फर्म क्या करती है, कैपिटल। अच्छा फर्म से एक वर्ड यहाँ रख लो, फर्म क्या करती है, कैपिटल। हम क्या करते हैं, कंजम्पशन। फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैपिटल से होती है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो ऐसे लॉजिक बना, हाउस होल्ड कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन। अच्छा थर्ड बोल, थर्ड थर्ड बोलो, जल्दी बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो बेटा दोबारा बोलो ना, एक बारी मेरे साथ साथ बोला करो यार, जल्दी से बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। देख फर्म करती है इन्वेस्टमेंट, ऐसे बोलो, फर्म करती है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, कैपिटल से। तो आपको कैपिटल जब भी लिखा हो वो फर्म है, फर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल सब एक ही बात है। अब कैपिटल है तो कैपिटल कौन सी है, क्या फिक्स है कि टोटल है। अरे फिक्स तो नहीं है तो टोटल है, यानी कि आज जो चेंज इन स्टॉक है ना, इसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर। क्या कर रहे हैं, इग्नोर। दोबारा बोलो, इग्नोर, वेरी गुड बेटा। क्यों इग्नोर करना है, जल्दी बता दो, क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे को टोटल दिया हुआ है, टोटल, ये टोटल है। क्या मेरे बच्चों बोलो, टोटल। दोबारा बोलो, टोटल, इज दैट क्लियर। ये आ गया, अब क्या करूंगा बोलो, नेट एक्सपोर्ट्स। ये आ गया जीडीपी एट एमपी। अब जीएनपी एट एमपी क्या होगा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, धीरे धीरे चलना। याद है आपको, आपको निकालना क्या था, जी एन पी एट एम पी। कैसे निकाल लूंगा, आपको उस दिन की क्लास में बताया था मैंने, क्या बताया था, ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस, डेप्री का, पक्का बताया था, बताया था ना। और ग्रॉस और नेट में डिफरेंस किसका होता है, ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस है, डेप्री का। अच्छा, जिसको नहीं भी आता दो एक मिनट के लिए सुन लेना। पहला वर्ड होगा ग्रॉस, और नेट में किसका डिफरेंस है, डेप्री का। डोमेस्टिक और नेशनल में किसका डिफरेंस है, अब्रॉड का। बड़ा कौन सा है, क्रॉस। नेट का मतलब है छोटा, नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा। अच्छा ये हो गया जी, जी देखो, यहाँ तो पहला वर्ड जी है या एन है, दूसरा है एन है, एन है, डी है, कुछ भी हो सकता है यार, डी एन, डोमेस्टिक नेशनल। फिर मार्केट प्राइस भी हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस किसका है, एनआईटी का, मार्केट प्राइस। क्लियर है आपको, पक्का क्लियर। पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट्स, क्लियर है। पक्का जीडीपी एडम्पी आ गया, इज दैट क्लियर टू यू, पक्का। अब जीएनपी एडम्पी निकालना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जीएनपी एडम्पी क्या होगा, जीडीपी एडम्पी प्लस अब्रॉड की इनकम। कौन सी इनकम, अब्रॉड की, कौन सी इनकम, अब्रॉड की। तो अब्रॉड की इनकम देख लो 395, और अब्रॉड की इनकम कितनी है, -3, आंसर इज 392, पक्का। अब दूसरा पार्ट क्या आप मेरे को निकाल सकते हो, ये निकाल के कोई बच्चा दिखाएगा, एन एन पी एड एम एफ सी किससे निकालूं, जिससे बोलो यार, जी एन पी एड एम पी से निकाल लूं, आ जाओ इससे निकाल देते हैं। ग्रॉस नेट बड़ा छोटा, छोटे में जाने के लिए माइनस, एन सी एन छोड़ दो, एमपी बड़ा, मार्केट बड़ी, फैक्टर छोटा, माइनस एनआईटी। ये कितना हो गया, 392
डेप्री कितनी है? डेप्री, डेप्री का एक और भी नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, 39। और एनआईटी कितना है? 43। 392 माइनस योगा 82, 310 आ रहा है यार, देख लो। ग्रॉस नेट माइनस डेप्री, एन से एन कुछ भी नहीं, एमपी से एफसी, बड़ा छोटा, छोटे में जाने के लिए माइनस, देख लो बेटा। क्लियर है मेरे बच्चों? यस और नो? पक्का क्लियर? जस्ट नोटेड डाउन अच्छे से। खर्चा कौन कौन करता है? बोलते रहो। हम का मतलब PFCE, गवर्नमेंट, GFC, तीसरा वर्ड इन्वेस्टमेंट, 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 इन्वेस्टमेंट कौन करती है? फर्म। तो उसको हम क्या बोलेंगे? और वो कैसे होती है? कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो कंपोनेंट है, या तो फिक्स या स्टॉक, या फिक्स या स्टॉक। तो फिक्स लिखे तो स्टॉक को ऐड करूंगा, लेकिन अगर यही लिखे है तो इसका मतलब स्टॉक इसी के अंदर है। फॉरनर्स क्या करते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। फॉरनर्स क्या करते हैं बच्चों? नेट एक्सपोर्ट्स। इज दैट क्वेश्चन क्लियर ना? 100%। आपको सब कुछ समझ में आ गया बेटा? किस तरीके से आपको काम करना है? यस, पक्का क्लियर? क्लियर है? फाइंड आउट जी एन पी एट एम पी, फाइंड आउट जी एन पी एट एम पी, फाइंड आउट जी एन पी एट एम पी। क्लियर है? वॉट इज मेंट बाय जी एन पी एट एम पी? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आखिरकार जी एन पी एट एम पी का मतलब क्या होता है? वॉट इज मेंट बाय जी एन पी एट एम पी? जो भी निकालना है सबसे पहले तो इसको छोड़ ही दो ना। जब भी आप एक्सपेंडिचर देख रहे हो, पहले हम, गवर्नमेंट, थर्ड कौन? फर्म। फर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सारा गड़बड़ करेगा ये तीसरा वर्ड। तीसरे में फिक्स है। आहा, फिक्स है ना, फिक्स है ना। तो इसका मतलब है आपको स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा थर्ड कंपोनेंट में, प्लस फॉरनर्स, नेट एक्सपोर्ट्स। गॉट इट? हम, सरकार, फर्म, फॉरनर। दोबारा बोलो। हम, सरकार, फर्म, फॉरनर। दोबारा बोलो। हम, सरकार, फर्म, फॉरनर। बोलो। हम, फर्म, हम, सर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, फर्म, गवर्नमेंट, सरकार, फर्म, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। वो ये वर्ड्स आपने देखने हैं। चलो आओ। करो बेटा। सबसे पहले पी एफ सी ई 60, जी एफ सी ई, बेटा ये श्योर शॉट क्वेश्चन है, इनकम और एक्सपेंडिचर 6 मार्कर। थर्ड पी एफ सी हो गया, जी एफ सी हो गया, थर्ड बोलो, थर्ड, थर्ड बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 230। जब भी फिक्स वर्ड लिखे है आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। बेटा फिक्स है तो स्टॉक है। अब बेटा चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है बेटा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग।
क्या मतलब होता है क्लोजिंग, हमने कितना चेंज की है, ओपनिंग में था 30, हमने कितनी वैल्यू उसमें ऐड की है, 30 था हमारा तो 20 रह गया, हमारी वैल्यू तो कम हो गई, स्टॉक कम हो गए, स्टॉक कम हो गए, स्टॉक कम हो गए, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स हमारी कम है, 30 से 20 हो गई। तो आप बताओ क्लोजिंग कितना था, 20, ओपनिंग कितना था, 30 माइनस 10, वेरी गुड। पीएफसी, जीएफसी, जीडीएफसीएफ, चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हम क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स हम किस तरीके से करेंगे, एक्सपोर्ट्स होगा 50 और इम्पोर्ट्स होगा 60। हमने एक्सपोर्ट्स की 50 की और इम्पोर्ट्स हुए 60 के, तो नेट एक्सपोर्ट्स कितना आ गया, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, 50 माइनस 60, 50 माइनस 60 दैट इज माइनस 10। आप आंसर बता दो, ये जीडीपी आइटम पे निकल गया, क्या निकल गया मेरे बच्चों, GDP एट MP कर कितना आ गया, 260, और 260 490, 490 माइनस 20, 470 इज योर आंसर। कितना आंसर आ रहा है, 470। अब मंजिल क्या थी, GNP एट MP, GDP एट MP तो गिवन ही था, जी जी सेम, पीपी सेम, एमपी एमपी सेम, सिर्फ इसका फर्क है डी और एन का, नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, नेशनल बड़ा तो क्या प्लस कर दूंगा, NFIA, क्या प्लस कर दूंगा, NFIA, तो 470 प्लस NFIA, NFIA इज हाउ मच, NFIA इज हाउ मच, NFIA, NFIA आपकी आ गई माइनस 10, कितनी आ गई माइनस 10, तो मेरा आंसर आ गया 460 करोड़, 460 करोड़। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का बेटा, नोट कर ले बच्चे, पक्का, और जिसको नहीं आया एक बारी और देख लो यार, पीएफसी कितना था, 800, पक्का पीएफसी 800 है, अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में ना, एक मिनट, मैंने ना ये गलती से पढ़ लिया, पीएफसी मैंने, आप इसको पीएफसी देखो कितने हैं, दोबारा देख ले यार, एक मिनट, 800 है, जीएफसी बोल, गलती हो गई एक, जीएफसी बोलो बेटा 200 है बच्चों, थर्ड कंपोनेंट कौन सा है बेटा, फिक्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, 230, चेंज इन स्टॉक ऐड कर ले बेटा, चेंज इन स्टॉक कितना है बेटा, चेंज इन स्टॉक है मेरा क्लोजिंग 20 माइनस ओपनिंग दैट इज माइनस 10, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं, नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, 50 माइनस 60 माइनस 10, ठीक है, तो आंसर आ गया, कोई बात नहीं टेंशन मत लो, मेरे को ना एक गलती से ये मैंने पढ़ लिया था, तो ये कितना आ गया, 1000, 1230, 1230 माइनस 20, 1210, डाउट क्लियर, जानता हूँ मैं, ये डाउट आ गया होगा एकदम से, ठीक है, 1210। अब आपका निकालना क्या था, जीएनपी एट एमपी, ये क्या आया, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी प्लस डोमेस्टिक नेशनल अब्रॉड, 1210 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए कितना है, एनएफआईए इज माइनस 10, ठीक है, चलो ठीक है ना, मैंने गलती से ना पीएफसी की वैल्यू कुछ और लिख ली थी, आपको क्लियर हो गई, पक्का पक्का, चलो आओ।
करोगे? इसमें ना जीडीपी एड एमपी भी निकालना है और नेशनल इनकम जो कि एनएनपी एड एफसी होती है वो भी निकालनी है। तो फॉर्मूला बोल, पहला पीएफसी 400, फिर बोल जीएफसी 100, तीसरा वर्ड देख, तीसरा वर्ड फर्म। फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? कैपिटल, कैपिटल की फॉर्मेशन होती है। आज फिक्स वर्ड लिखे, स्टॉक को ऐड करना है। फिक्स वर्ड लिखे ना, स्टॉक को ऐड करना है। लेकिन आज मेरे को ग्रॉस की जगह नेट दे दिया। हाँ नेट दे दिया, हाँ नेट दे दिया, कोई बात नहीं। नेट से तो ग्रॉस में बना सकते हो। कैसे बनाओगे? आपको डेप्रिसिएशन देखनी है और डेप्रिसिएशन है 40। तो ना जो नेट है ना 50, 50 में ना 40 को प्लस कर दो। 50 में ना आप क्या करो, 40 को प्लस कर दो। इज दैट क्लियर टू यू? आपको क्या करना है, इसको, ये जो थर्ड वर्ड है ना, इसको आप 50 को एट 40, इसको आप जी लिख दो, जी जी लिख दो, जी लिख दो। जी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50। सर क्या कर रहे हो, नहीं आ रहा समझ में, अभी आ जाएगा बेटा, घबरा मत। ये देख, थर्ड वर्ड क्या था, जी डी सी एफ। आज मेरे को थर्ड वर्ड लिखा है एन, ग्रॉस की जगह नेट लिखा है। फिक्स वर्ड अलग है, नेट कैसे दे सकता है यार? मेरे को नेट नहीं, मेरे को तो ग्रॉस ही होता है। तो ग्रॉस के लिए मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन। नेट और ग्रॉस, नेट छोटा है, ग्रॉस कैसे बनेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। और डेप्रिसिएशन ये है 40 है, तो 40 को ऐड कर दो, 40 को ऐड कर दो। 50 में 40 को ऐड करो, 90 आ गया। प्लस, प्लस क्या, चेंज इन स्टॉक। यार चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 10, ओपनिंग कितना है, 20। तो ये आ गया 10 माइनस 20, दैट इज -10। प्लस क्या करूंगा, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कितने होंगे यार, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स तो गिवन ही है आपको, कितने गिवन है, -30। ये आपका आ गया जी डी पी एट एम पी। आंसर निकल के आ रहा है 590 -40, 550। कितना आ रहा है आंसर, 550। जी डी पी एट एम पी तो निकल भी गया। अब क्या निकालना है, नेशनल इनकम, एन एन पी एट, एन एन पी एट एफ सी। ग्रॉस नेट माइनस डोमेस्टिक से नेशनल प्लस, और एमपी से एफ सी माइनस 550। डेप्री कितना है, 40। एन एफ आई ए कितना है, एन एफ आई ए इज हाउ मच, -10। एन आई टी इज हाउ मच, एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, एन आई टी इनडायरेक्ट टैक्सेस 55 और सब्सिडीज 5। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस 55 माइनस सब्सिडीज, दैट इज 5। बस ये कितना आ गया, ये आ गया 550 -40 -10 और -50। क्लियर है? पक्का क्लियर? क्लियर ना, नोट कर लो बच्चों। जस्ट नोट इट डाउन बेटा। कर लिया ना नोट? बस इन्होंने ना ऐसे कर रखा है और कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने करा। क्लियर है?
मैंने आपको नोट करा था, उसी को ही नोट कर दो, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? डोंट डू इट लाइक दिस. मैंने आपको आंसर निकाल दिया था, 450 आंसर निकाल गया ना, डन है? चलो करोगे क्वेश्चन? NDBFC, कोई बात नहीं, क्यों फर्क पड़ता है, पढ़ी मत पहले, तो अपना फॉर्मूला लगा, जल्दी बोल. PFC, GFC, फिक्स है, स्टॉक आएगा, फिक्स लिखो बेटा. लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में ना, यहाँ पर नेट गिवन था, नेट गिवन था, मेरे को इरिटेट कर रहा था. मैंने क्या कर दिया था, डेप्रेशन को प्लस कर दिया था, टू मेक इट ग्रॉस, टू मेक इट ग्रॉस. तो बेटा समझ आया था, पिछले क्वेश्चन में ना नेट था, नेट. मैंने क्या कर दिया था, ग्रॉस. कैसे कर दिया था, कैसे कर दिया था, प्लस कर दिया था. खत्म, तो घबरा कर रहे हो. अच्छा, अब क्या करूंगा, GDFCF के बाद चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक 20. नेट एक्सपोर्ट्स कितने आ गए, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स 20 माइनस 22. दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आपको आ गया 298 प्लस 36 प्लस 52 प्लस 20 माइनस 2. निकालना क्या था, NDBFC, हौले हौले निकाल लोगे आप, पक्का? आपको क्या निकालना है इसमें, NDBFC, GDBFMP, फिर बोलो ग्रॉस नेट माइनस, और MPCFC माइनस. डेप्री कितना है, डेप्री कितना है 22, NIT कितना है 35, कर लो. ये आ गया 404 माइनस 57, 347. कितना आ गया, 347. एक बात याद रखना, ऊपर क्या है, जो भी ऊपर वैल्यू हो वही लिख देना, पक्का? क्लियर, नोटेड डाउन बेटा, समझ आ गया? खर्चा कौन कौन करता है, दोबारा बेटा एक बारी और बता दे मेरे साथ, खर्चा कौन कौन करता है, हम फर्म, फर्म फर्म और गवर्नमेंट. फर्म कैसे करती है, या तो फिक्स या स्टॉक, पक्का? और फॉरनर, बस. और आंसर क्या निकलेगा, GDP@MP, क्या निकलेगा? अब PFC गिवन है, ये रहा, GFC गिवन है, ये रहा, और क्या गिवन है, और क्या गिवन है आपको, GDFCF, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है. तो मेरे को किसको ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक को. आज चेंज में लिखा हुआ है डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक जब भी हो माइनस कर देना, इंक्रीज इन स्टॉक प्लस करते हैं. इंक्रीज इन स्टॉक होता है जब स्टॉक इंक्रीज कर जाए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. लेकिन जब डिक्रीज इन स्टॉक लिखा है मतलब, तो माइनस कर देना, माइनस कर देना, नेगेटिव है, क्लियर है? आप PFC, GFC, फिक्स, और फिक्स था, स्टॉक आया, अगर ये ना होता तो ये भी ना होता, क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन में हमने देखा था यह नेट था, तो हमने क्या कर लिया, ग्रॉस. कैसे कर लिया था, डेप्रिसिएशन को प्लस करके, डेप्रिसिएशन को प्लस करके. अच्छा, अब क्या करूँगा, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, 900 माइनस 1000 माइनस 100, ये आपका GDBFMP निकल गया. कितना आ गया, 66 माइनस 765, 300. GNPA/NP निकालना है, GNPA/NP कैसे निकालोगे, GG सेम छोड़ दे, PP सेम,
एमपी एमपी सेम, सिर्फ डी और इसका फर्क है एन का। डोमेस्टिक से नेशनल, एन एफ आई ए प्लस। एन एफ आई ए कितनी गिवन है जल्दी देख के बता दो, -500। आपको समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ऊपर लिखते रहा करो यार, जो भी इसमें तो लिखा नहीं। अच्छा लाख लिखा है तो यहाँ पर भी लाख, यहाँ पर भी लाख, वो पक्का कर देना। अब क्या निकालना है? एन एन पी एड एफ सी, इससे ही निकाल दो। नेट जी से एन माइनस, एम पी से एफ सी माइनस, 64,800 माइनस डेप्रिसिएशन 2,000 माइनस एन आई डी अगेन 2,000। पक्का बेटा? दिस इज वॉट यू कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं, इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी? बेटा ये सुनो, पक्का बेटा आपको दोनों के दोनों मेथड क्लियर हैं, दैट इज इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर। बेटा क्लियर है ना एज टू हाउ यू नीड टू डू वॉट? इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर। आज की क्लास में हमने क्या किया कि एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है, और एक बारी और बोल दो बेटा, खर्चा कौन कौन करता है? जल्दी बताओ खर्चा कौन कौन करता है, बोलो। पहला हम, दूसरा फर्म, सेकंड कौन करता है? फर्म। पक्का? थर्ड, थर्ड हम, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरनर। और कौन? फॉरनर, हम, फर्म, ठीक है। दो, थर्ड कौन? फॉरनर, पक्का। और उसके बाद गवर्नमेंट, हम, सरकार, फर्म, गवर्नमेंट। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आई अच्छे से? क्लियर? पक्का? सो नाउ गाइस वी हैव डन इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम याद आया था? इनकम, इनकम कौन कौन कैसे कैसे कमाएंगे बताओ? कैसे कमाएंगे? वर्क से। वर्क को क्या कहते हो? सीओई। क्या कहते हो? सीओई। क्या कहते हो? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। दोबारा बोलो, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। सेकेंड बोलो, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। दोबारा बोलो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बोलना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। पक्का? इज दैट क्लियर टू यू? एब्सोल्युटली क्लियर, नो प्रॉब्लम व्हाट्सो एवर। समझ में आ रहा है बेटा सब कुछ अच्छे से? ठीक है बेटा, इसको आराम से पढ़ाई करो। अब नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड दोनों को। ओके बच्चों, बाय बाय।